मूवी का स्टार्ट फेफे से होता है। फेफे अपनी मॉम मून गॉडेस चंगा की स्टोरी सुनाने को कहती है। फेफे की मॉम स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। कहती है मून गॉडेस अपने लवर होई से बहुत प्यार करती थी और गॉडेस ने एक पोशन लिया जिसकी वजह से वो मून पे चली गई और वो वहाँ होई का वेट कर रही है और उसके साथ जेड रैबिट रहता है क्योंकि होई अर्थ पे ही मर गया था। फिर सीन मून फेस्टिवल पर शिफ्ट होते हैं जहाँ फेफे अपने मॉम डैड के साथ मिलके पूरे विलेज के लिए मून केक्स बनाती है और बहुत इंजॉय करती है। बट अनफॉर्चुनेटली अचानक फेफे की मॉम बहुत बीमार पड़ जाती है और मरने वाली होती हैं और मरने से पहले फेफे को एक रैबिट देती हैं, उसका नाम बंजी होता है। फिर फेफे की मॉम मर जाती हैं और फेफे और उसके डैड बहुत सैड होते हैं। फिर 4 साल गुजर जाते हैं, फेफे बड़ी हो चुकी होती है बट फेफे को स्टिल चंगा की स्टोरी पे बिलीव होता है। फेफे अपने डैड के साथ मून केक्स बना के डिलीवर करती है, अपने डैड की हेल्प करती है। फिर फेफे के डैड मिस योंग से फेफे को मिलवाते हैं कि मिस योंग से शादी करेंगे। फेफे ये सुन के अपसेट हो जाती है। फिर फेफे मिस योंग के बेटे चिन से मिलती है जो फेफे को बहुत तंग करता है। फेफे अपने डैड को चिन का बताती है। फेफे के डैड फेफे को समझाने की कोशिश करते हैं कि फेफे मिस शोंग को एक्सेप्ट कर ले बट फेफे नहीं मानती। फिर मून फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए फेफे की फैमिली उन्हें ज्वाइन करती है और सब फेस्टिवल की तैयारी करते हैं और शाम को सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और सब चंगा की बातें स्टार्ट करते हैं और सब चंगा की स्टोरी पे बिलीव नहीं होता। फेफे सबको समझाती है बट फेफे गुस्सा हो जाती है और टेबल ख़राब हो जाता है। फेफे फिर चली जाती है। मिस शोंग फेफे को मून केक देती है बट फेफे को मिस शोंग नहीं पसंद होती। फेफे बंजी पे भी गुस्सा हो जाती है। फिर अचानक फेफे बंजी को जाता देखती है और बंजी को फॉलो करती है और बंजी उसी जगह जाती है जहाँ फेफे की मॉम उसे स्टोरी सुनाया करती थी। फेफे अपनी मॉम को बहुत मिस करती है और ये डिसाइड कर लेती है कि वो प्रूफ करेगी कि चंगा ट्रू स्टोरी है। फिर फेफे बहुत ट्राई करती है, डिफरेंट रॉकेट्स बनाती है पर कोई वर्क नहीं करता। फिर फेफे को स्कूल में भी डांट पड़ती है। फिर फेफे को स्कूल में ही एक आइडिया आ जाता है। फिर फेफे एक रॉकेट डिज़ाइन करती है और चाइनीज़ पेपर मीन लैटिन का यूज़ करके एक रैबिट शेप का बनाती है और फायरवर्क का यूज़ करती है रॉकेट की स्पीड बढ़ाने के लिए। फेफे कामयाब हो जाती है बट तभी चिन भी रॉकेट में छुपा हुआ होता है और चिन के वेट की वजह से रॉकेट गिरने लगता है। तभी एक मैजिकल लाइट आती है और उन्हें मून पे ले जाती है। दो प्लेफुल स्पिरिट उन्हें तंग करती हैं और रॉकेट क्रैश हो जाता है बट फिर वो दो स्पिरिट्स उन्हें बचा लेती हैं और सबको लुरानिया ले जाती हैं और फेफे लुरानिया को देख के बहुत खुश होती है। फिर फेफे चंगा से मिलती है और चंगा अपने डांसर्स के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। फिर चंगा फेफे को कहती है तुम मेरे लिए गिफ्ट डिलीवर करने आई हो जिसकी हेल्प से होई वापस आ जाएगा। फेफे चंगा के साथ पिक्चर लेती है ताकि वो प्रूफ कर सके कि चंगा रियल है बट चंगा फेफे से पिक्चर ले लेती है और गिफ्ट की डिमांड करती है। फेफे को समझ नहीं आता कि चंगा क्या कह रही है। फिर चंगा को गुस्सा आता है और चंगा एक कॉम्पिटिशन अनाउंस करती है। कहती है जो पहले गिफ्ट ढूंढ के लाएगा लास्ट मून डस्ट गिरने से पहले मैं उसकी विश पूरी हो करूँगी। फिर फेफे चिन से तंग आ जाती है और चली जाती है। फेफे चिक्स राइकर से राइड लेती है और क्रैश साइट जाती है गिफ्ट ढूंढने। फिर चिन फोटो देखता है और लेने की कोशिश करता है बट चंगा चिन को पकड़ लेती है और चंगा चिन से गिफ्ट के लोकेशन की डिमांड करती है। फिर चंगा चिन को पिंग पोंग गेम का चैलेंज करती है और चिन खेलता है और जीत जाता है। चंगा ये देख अपसेट हो जाती है और चंगा बहुत रोती है कि वो होई को दोबारा देख नहीं पाएगी और चिन को अपने चैम्बर में ट्रैप कर लेती है। बंजी जी ट्रैबिट को उसके वर्क प्लेस पर फॉलो करती है। दूसरी तरफ फेफे और चिक राइडर्स क्रैश साइट पहुंच जाते हैं। फिर फेफे एक लुरानियन के रहने वाले गोभी से मिलती है और फिर फेफे को अपनी चंगा की डॉल मिलती है और फेफे को पता चलता है कि यही चंगा का गिफ्ट है बट अनफॉर्चुनेटली चिक्स राइडर्स डॉल ले लेते हैं। फेफे और गोभी को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। फिर फेफे और गोभी लुरानिया वापस जा रहे होते हैं बट कुछ फ्रॉग्स के बीच फंस जाते हैं। फिर फेफे ट्रिक करती है। फिर फेफे और गोभी वापस लुरानिया जा रहे होते हैं
गोभी फेफे को बताता है कि चंगा ने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने मूव ऑन पे सॉन्ग बनाया था। फिर फेफे कहती है मेरे लिए गाओ। फिर गोभी सॉन्ग गाता है। फेफी को सॉन्ग सुन के अपनी मॉम की याद आती है और फेफी रोती है। फिर गोभी फेफे को तसल्ली देता है। फेफी और गोभी चिक्स राइडर से मिलते हैं और डॉल लेने की कोशिश करते हैं और इसी सब में डॉल टूट जाती है और फेफी बहुत सैड हो जाती है। फिर फेफे मून केक खाती है और फेफे के मुंह में एक पीस आता है और फेफे को पता चल जाता है कि यही चंगा का गिफ्ट है। फिर चेन भी फ्री हो जाता है। फिर सब गिफ्ट लेके चंगा के पास जाते हैं बट गोभी को गार्ड्स पकड़ लेते हैं बट फेफे गोभी को बचा लेती है। फिर फेफे गिफ्ट चंगा को गिफ्ट देती है और फिर चंगा और होई कुछ देर के लिए मिलते हैं। होय जाने से पहले चंगा को मूव ऑन होने को कहता है। चंगा को ये सब मानने से मना कर देती है और चंगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और चंगा के डिप्रेशन में जाने की वजह से पूरे नूरानिया की रोशनी चली जाती है। फेफे चंगा को डिप्रेशन से निकालने का ट्राई करती है बट जैसे ही फेफे चंगा के स्टेट ऑफ सैडनेस में इंटर हो करती है फेफे को अपनी मॉम का विजन आता है और फेफे भी सैड हो जाती है। फिर चंगा और फीफी दोनों को रियलाइज़ होता है कि उन्हें अपनी लाइफ की ट्रेजेडीज से बाहर आना होगा। चंगा और फीफी एक दूसरे को इनक्रेज करते हैं कि अपने आसपास जो प्यार है उसे एक्सेप्ट करें और अपने प्यारों की डेथ को एक्सेप्ट करें। फीफी चिन को एक्सेप्ट कर लेती है। फीफी चंगा को भी आने को कहती है। चंगा मना करती है। फीफी सॉन्ग गाती है और गोभी चंगा को मिलता है और पूरे लुरानिया में रोशनी वापस आ जाती है। चंगा फीफी को थैंक्स करती है। चिन और फीफी घर वापस जाने को कहती है बट बंजी जेड रैबिट के साथ मून पे ही रहती है और फीफी बंजी से मिलती है। लुरानिया फीफी और चिन को फेयरवेल देता है और फीफी और चिन घर वापस चले जाते हैं और जाते हुए फीफी और चंगा की फोटो बर्न हो जाती है। फेफी अपने डैड और मिस शोंग की शादी एक्सेप्ट कर लेती है और चिन को अपना भाई मान लेती है। फिर कुछ टाइम फेफी अपने फैमिली के साथ रहती है और सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है और अपने डैड के साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजारती है। फिर फेफी मून की तरफ देखती है और बर्ड्स को उड़ता देखती है और फिर यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।